इस वीडियो में हम देखेंगे एम सी क्यूज ऑन सेमी कंडक्टर्स फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन दैलेंस बैंड तो जब आ, ये हो गया आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम ठीक है ये है बैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड जब होल्स वैलेंस बैंड में बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के तो उस सेमी कंडक्टर को हम क्या कहते हैं इंटरेंजिक सेमी कंडक्टर तो इसका आंसर हो जाएगा सी ठीक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड जब बराबर हो होल्स इन दी बैलेंस बैंड के तो उस सेमी कंडक्टर कंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच टेम्परेचर अ प्योर सेमी कंडक्टर बिहेव स्लाइटली एज अ कंडक्टर तो कौन से टेम्परेचर पे प्योर सेमी कंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है तो इसका आंसर हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर तो इसका आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज विच ऑफ द फॉलोइंग तो सिलिकॉन क्या है एक सेमी कंडक्टर तो एट एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो सेमी कंडक्टर है बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर तो इसका आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a strong current is passed through a semiconductor, this causes many covalent bond to break up due to heating, ठीक है and thereby to liberate a large number of free electrons. इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता है जब स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट से कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं जिससे फ्री लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू है इसका आंसर हो जाएगा ट्रू नेक्स्ट question is होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग तो होल्स किस में होते हैं पी टाइप सेमी में तो इसका आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव्स लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग तो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर ज़ीरो टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट जीरो पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेमी कंडक्टर इज फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय डैश बॉन्ड सेमी कंडक्टर में कौन सी बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग इट इज़ फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेमी कंडक्टर हैज़ डैश टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस तो जो जो सेमी कंडक्टर में नेगेटिव अल्फा होता है मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नेगेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज सेमी कंडक्टर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज है बी सिलीकॉन सिलीकॉन मोस्टली यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेमीकंडक्टर हैज जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेमीकंडक्टर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं चार आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सेमी प्योर सिलिकॉन इज तो रेजिस्टिविटी क्या होती है सिलिकॉन की सिक्स थाउजेंड ओम सेंटीमीटर अबाउट अराउंड तो इसका आंसर हो जाएगा टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज अबाउट तो इसका आंसर है बी सिक्सटी ओम सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन अ प्योर सेमी कंडक्टर इज हीटेड इट्स रजिस्टेंस जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे हीट करोगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है किसका सेमी कंडक्टर का क्योंकि नेगेटिव अल्फा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी इट गोज डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेमी कंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्राम तो स्ट्रेंथ किससे मिलती है सेमी uh, कंडक्टर को इसका आंसर है सी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग से ठीक है तो इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उससे स्ट्रेंथ मिलती है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वेन अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमी कंडक्टर इट बिकम्स जब पेंटावेलेंट एड करोगे मतलब फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में तो तो वो कौन सा सेमी कंडक्टर बन जाता है इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ एन टाइप सेमी कंडक्टर वेन अ पेंटावेलेंट इम्प्योरटी इज एडेड टू अ प्योर सेमी कंडक्टर इट बिकम्स एन टाइप सेमी कंडक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिंग अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी टू अ सेमी कंडक्टर क्रिएट्स मैनी जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो उससे क्या कौन से चार्ज कैरियर्स मिलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इसका आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एन टाइप सेमी कंडक्टर इज तो एन टाइप क्या होता है न्यूट्रल होता है एन टाइप तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सो एन एन टाइप सेमी कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एन टाइप से मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो गए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी सो दिस इज़ फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग